हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड, दिस इज योर वैल्यू एजुकेशन लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू लेसन, लेसन नंबर 4, कीपिंग क्लीन। हमें क्लीन कैसे रखना है, रहना है, ये सब हम अब इस चैप्टर में देखने वाले। लुक एट दिस टू चिल्ड्रन, आप ये दो पिक्चर देखिए। एक में एक लड़की है सानवी नाम की, सेकेंड में है अर्नव। तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है आपको सानवी पसंद है या अर्नव। देखिए सानवी कैसे क्लीन है और अर्नव कैसे डर्टी हुआ है, कैसे भी है। तो आपको जो पसंद है उस पर आपको राइट टिक करना है। नेक्स्ट क्या है, नाउ लुक एट दिस टू पिक्चर। अभी आपको ये दो पिक्चर करने हैं, देखने हैं और आपको टिक करना है कौन सा पिक्चर आपको लगा है और पसंद है। इसमें देखिए सब सामान बिखरा हुआ है और इस पिक्चर में सभी सामान अपने जगह पे है। लेट अस टॉक अबाउट इट। टू बी हेल्दी एंड हैप्पी वी मस्ट कीप अवर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी। अगर हमें हेल्दी और खुश रहना है तो हमें हमेशा खुद को पहले क्लीन रखना है, फिर हमारे घर को क्लीन रखना है, हमारे आसपास का जो एरिया है प्लेग्राउंड या फिर जहाँ पे आप खेलने जाते हैं वो सब आपका जो एरिया आपको क्लीन रखना है, और आप स्कूल जाते तो आपका स्कूल का एरिया, स्कूल आपको क्लीन रखना है। अ नीट एंड क्लीन पर्सन इज लव्ड बाय ऑल। अगर आप स्वच्छ और साफ सुथरे रहेंगे तो आपको सब पसंद करेंगे। अगर आप कैसे भी रहेंगे तो आप किसी को पसंद नहीं आएंगे। आपको सब गुड बॉय बोलना चाहिए, इसलिए आपको हमेशा क्लीन रहना है। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फ्रॉम कंप्लीट सेंटेंस राइट ऑन द डॉटेड लाइन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, इन वर्ड ये जो वर्ड दिए है ब्रैकेट में वो यहाँ पे फिल करने। तो फर्स्ट क्या है, डर्ट ब्रिंग सिकनेस, मतलब गंदगी से क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, डर्ट शोज दैट आई डोंट केयर, गंदगी क्या शो करती है कि हमें किसी की केयर नहीं है, इसलिए हम अच्छे नहीं रहते, क्लीन नहीं रहते। डर्ट मेक अदर अनहैप्पी, अगर हम गंदगी करेंगे तो दूसरे के हमसे क्या रहेंगे, नाखुश रहेंगे। डर्ट्स लुक अगली, इसका मतलब क्या है, गंदा दिखना। डर्ट स्मेल बैड, और इसका स्मेल भी कैसा आता है, बैड आता है। तो ये आपको फिल अप करने। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, लर्न दिस पोयम, आपको ये पोयम रीड करके लर्न करनी। After a bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and finger and toes and to wet legs and shiny nose. नहाने के बाद आपको क्या करना है, आपको टॉवल से आपकी बॉडी पूरी पोंछनी है, आपको आपके फिंगर टोज लेग सब आपको क्लीन करना है। राइट वन वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट इन ईच बलून, देन कलर द बलून्स हेल्दी हैप्पी नाइस लुकिंग। आपको ये बलून में ये वर्ड लिखने हैं और उनको कलर करना है। व्हेन आई कीप माई सेल्फ क्लीन आई एम हेल्दी, तो इसको आपको कलर करना है हेल्दी लिख के, यहाँ पे हैप्पी, यहाँ पे नाइस लुकिंग, ये सब आपको वर्ड लिख के आपको इन बलून को कलर करना है। आई विल डू समथिंग अबाउट इट एक्टिविटी है, यहाँ पे टिक एनी टू थिंग फ्रॉम ईच सेट ऑफ शो व्हाट यू विल डू इम्प्रूव योर हैबिट ऑफ क्लीनिंग। आप खुद को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे वो आपको ये लाइन है। फर्स्ट सेट में क्या दिया है, टू कीप माई सेल्फ क्लीन आई विल वॉश माई सेल्फ वेल, मैं अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए मैं खुद को वॉश करूँगा, मतलब मैं नहाऊँगा।
तो ये आपको फर्स्ट सेंटेंस नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट है, टू कीप माई सेल्फ क्लीन आई विल वेयर क्लीन क्लॉथ. तो सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला है, मैं अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्लीन क्लॉथ मतलब स्वच्छ जो धोए हुए कपड़े वो पहनूंगा. नेक्स्ट वन है, टू कीप माई सेल्फ क्लीन आई विल कीप माई नेल्स क्लीन. मैं अपने नेल्स क्लीन करके रखूंगा टाइम पे उसे कट करने का. नेक्स्ट सेट क्या है, टू कीप माई होम टाइडी आई विल कीप माई टोज इन अ प्लेस. आपका घर आपको क्लीन रखने के लिए आपके जो शूज़ वगैरह होते हैं वो आपको शूज़ की जो जगह होती है वहीं पे रखना है. टू कीप माई होम टाइडी आई विल कीप माई क्लॉथ इन देयर प्लेस. और आपके जो कपड़े होते हैं जो कबट में जिनकी जगह होती है वहाँ पे आपको रखना है, बिखर के यहाँ वहाँ नहीं रखने हैं. टू कीप माई होम टाइडी आई विल कीप माई शूज इन देयर प्लेस. और आपको आपके शूज आपको जगह में रखने हैं, और आपके टॉयज मतलब आपके जो खिलौने होते वो आपको जहाँ पे आप रखते हैं जिस जगह कबर्ड में वगैरह वहीं पे आपको प्रॉपर रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे रखे. सेट सी क्या है, टू कीप माई स्कूल क्लीन आई विल यूज द ट्रैश बिन्स. मैं अपना जो स्कूल है उसको क्लीन रखने के लिए डस्टबिन यूज़ करूँगा. टू कीप माई स्कूल क्लीन आई विल कीप माई बुक नीटली. और स्कूल नीट आपको क्लीन रखना है इसलिए आपके बुक आपको प्रॉपर रखने हैं. और आपका कीप माई क्लासरूम क्लीन और आपका जो क्लासरूम है वो भी आपको क्लीन रखना है. तो ये सब सेंटेंस आपको नोटबुक में टू टाइम लिखने हैं. लेट अस सिंग विथ एक्शन. आपको ये एक पोयम है, आपको रीड करनी है. दिस इज द वे वी वॉश अवर फेस. वॉश अवर फेस, वॉश अवर फेस. दिस इज द वे वी वॉश अवर फेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. आपको ऐसे अपना जो फेस है वो हर रोज आपको वॉश करना है, धोना है. दिस इज द वे वी क्लीन अवर होम. क्लीन अवर होम, क्लीन अवर होम. दिस इज द वे वी क्लीन अवर होम एवरी डे इन द मॉर्निंग. और आपको हर रोज मॉर्निंग में अपना घर भी क्लीन करना है. और आपको ये पोएम भी नोटबुक में लिखनी है. When I am clean and tidy, I keep well and make other happy. अगर आप खुद क्लीन होंगे तो आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी और आप दूसरों को खुश रखेंगे. इसलिए आपको खुद को पहले क्लीन रखना है, उसके बाद आपको आपके घर को क्लीन रखना है, आपके स्कूल को क्लीन रखना है, आपका जो आजू बाजू का एरिया है, आप अगर किस कहाँ पे खेलने जाते हैं पार्क में वो भी आपको क्लीन रखना है. तो अभी यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और आपका होमवर्क सॉल्व करना है. थैंक यू.